ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह, और कोरोना के इस दौर में श्रोताओं हम आपसे यही कहेंगे, हौसला अपना बुलंद कर लो, साहस और हिम्मत को संग कर लो। हार न मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा, तुम्हारा अडिग हौसला तुम्हें बढ़ाएगा। जो अपने पक्के इरादों के आगे मुसीबतों के घुटने टिका जाएगा, वही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान जिंदगी की ये जंग जीत पाएगा। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के इस कठिन दौर में ये लाइनें बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। इसीलिए हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-1157-67 और 0112-33-14-444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AILNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोविड-19 की अगर वर्तमान स्थिति को हम देखें तो जहां एक ओर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 51% से भी ज्यादा हो गई है, देश में 1,70,000 से भी ज्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप कोरोना की इस मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब से भारत सरकार ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया, क्योंकि लॉकडाउन खोलना जरूरी था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है जी, और आप हमेशा के लिए तो किसी देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकते, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बावजूद भी अगर हमारे सारे भारतीय नागरिक इस बात को समझें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं और इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोक भी सकते हैं, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, क्योंकि देखिए ये बीमारी जो है वो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को भेजती है। तो कितनी भी सरकारें, कितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी कितना ही डॉक्टर, कितने भी सब काम कर लें, वो बीमारी जो है वो आप फैला रहे हैं, मतलब समाज में एक दूसरे को फैला रहे हैं। तो वो दायित्व जो है हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक का है, और मैं ये कहूंगा कि अगर वो इसको अपना आज की तारीख में राष्ट्रीय कर्तव्य मान ले कि भाई मेरी ये नेशनल ड्यूटी है कि मैं ना तो किसी को संक्रमित करूंगा, ना अपने को संक्रमित होने से बचाऊंगा, अपने को संक्रमण से बचाऊंगा, अगर ये मन में वो संकल्प लेते सब चलते हैं, तो सिर्फ तीन चीजें उनको करनी है जो हम बार बार अपने कई प्रोग्रामों में सारे डॉक्टर सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम घर से बाहर जब भी, अगर घर के भीतर हैं तो ठीक है, सुरक्षित हैं, घर के बाहर हमें किसी काम कार्य के लिए निकलना है, चाहे वो नौकरी के लिए निकलना है, चाहे व्यवसाय के लिए निकलना है, चाहे कुछ अपना सामान परचेज करने के लिए निकलना है, तो हम जो जरूरी एहतियात है वो रखें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क पहन के निकलें। दूसरे जरूरी है कि जितना भी दूरी अगर हम बना सकते हैं किसी व्यक्ति के बीच में, तो 3 फीट तो मिनिमम होनी चाहिए, अगर 3 से 6 फीट के बीच में अगर आवश्यक नहीं, जैसे हमारा काम मान लीजिए किसी दुकानदार के पास हम जा रहे हैं तो हम 5-6 फीट से भी उसको कह सकते हैं कि भाई हमारे को ये सामान दे दीजिए, वो सामान पैक करके आपको दे देगा, तो वो दूरी बना के मतलब उसके नजदीक ना आए। तीसरे, जब अगर आप बाहर से आ रहे हैं, घर में आके अच्छी तरीके से अपने साबुन से हाथ धोइए, अगर बाहर हैं और आपको लगता है कि किसी संक्रमित वस्तु पे आपका हाथ चला गया तो आप एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रख सकते हैं जिसमें 60-70% से ज्यादा एल्कोहल की मात्रा, उस समय अपने हाथों को साफ कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि आप अपने गंदे हाथ अपने नाक मुंह और आंखों पर ना लगाएं, क्योंकि अगर गलती से वायरस आपके हाथ पे भी लग जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, हाथ से ये वायरस आपके शरीर में नहीं प्रवेश कर सकता। ये वायरस जब ही प्रवेश करेगा जब आप वो गंदे हाथ अपने मुंह नाक
या आंख पे लगाएंगे। तो अगर आपने मास्क लगाया हुआ है और मुंह और नाक को ढका हुआ है तो उस पे तो हाथ लगाने की वैसे ही संभावना फिर बहुत कम रह जाती है। एक आंखें हैं तो उसमें आप कोई गॉगल्स या चश्मा भी लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाते तो ये देखें कि जब भी आप गंदे हाथों से बाहर से परचेजिंग करके आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने मुंह पे किसी तरीके से हाथ ना लगाइए, अपने हाथों को साफ करिए अच्छे तरीके से। अगर ये सिर्फ तीन चीजें आप कर लें तो संक्रमण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम रोक सकते हैं। और जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि भाई हर 15 दिन के बाद हमारे यहाँ मरीज डबल हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे लोग एहतियात नहीं बरत रहे, इसलिए वो संक्रमित करते चले जाते हैं और वो नंबर हमारे डबल होते चले जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट जैसे आपने कहा कि लगभग आधे से ज्यादा लोग, 50% से भी ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और देर सवेर, जैसा मैं कह रहा हूँ कि देर सवेर 97% लोग इससे रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो है मृत्यु दर हमारे देश में इस बीमारी से 3% से कम है। तो इसलिए देर सवेर, चूंकि रिकवरी में एक बार आप इन्फेक्टेड हो गए तो रिकवरी में आपको 2 से लेकर 4 हफ्ते तक लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे जी होता है, तो इसलिए धीरे धीरे रिकवरी आती है, लेकिन उस बीच में अगर नए इन्फेक्शन आ जाते हैं तो वो रेट कम हो जाता है। जी डॉक्टर वर्षणी, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन कोरोना से उनका बचाव करना है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए और वो क्वारंटीन में चले गए। और तीसरी वो पॉपुलेशन है जो इस समय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में नहीं है लेकिन अपने घरों में आइसोलेशन में है, वो सस्पेक्टेड भी है और कई बार वो पॉजिटिव भी आ चुके हैं। तो ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, अपने घरों में आइसोलेशन में हैं, वो किस तरीके से अपना बचाव करें या वो क्या सावधानियां बरतें और उनके लिए आपका क्या परामर्श है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए जितना हम लोगों ने देखा है अपने एक्सपीरियंस में भी और जो सारे वर्ल्ड से भी एक्सपीरियंस आ रहा है कि लगभग 80 से 90% लोगों में बहुत या तो लक्षण होते नहीं या बहुत हल्के लक्षण होते हैं, हल्का बुखार, हल्की खांसी, और ये लक्षण जो है उसमें अपनी बॉडी, जैसे जब वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो हमारा शरीर उसको लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में 7 से लेकर 10 दिन के बीच में बन जाते हैं और वो उस वायरस को किल कर देते हैं और मरीज स्वस्थ हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम ये मानते हैं कि भाई 14 इन्फेक्शन हुआ तो वो लगभग 14 डेज में मोस्टली वो इन्फेक्शन उसके शरीर से क्लियर हो जाएगा। चूंकि ज्यादातर लोग अगर माइल्ड स्टेज में है तो सिर्फ उनको ये होता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो दूसरे को अब इन्फेक्शन ना फैलाएं। तो अगर दूसरे को इन्फेक्शन ना फैलाएं तो उनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। अगर उनके घर में ऐसी सुविधा है, यहाँ पे सेपरेट रूम है जिसमें सेपरेट वॉशरूम फैसिलिटी है, तो वो अपने को वहां पर रख सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जो उनके घर का है वो उनको बाहर से खाना वगैरह उनके बाहर रख दे, वो अपना ले लें और उस कमरे के भीतर ही वो अपना जो है सारा कार्य करेंगे जब तक कि वो स्वस्थ नहीं हो जाते, जिससे कि वो अपने घर वालों को संक्रमित ना कर सके। लेकिन अगर घर में इस तरीके की सुविधाएं नहीं है, कई बार छोटे छोटे घर होते हैं, परिवार के मेंबर बहुत होते हैं, तो सरकार ने ऐसी सुविधाएं करी हैं कि उनको आइसोलेशन के लिए हमने कोविड केयर सेंटर बनाए हुए हैं सरकार ने, तो कोविड केयर सेंटर में आपको रख दिया जाता है, वहां आप आइसोलेटेड रहते हैं जिससे कि आप दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना कर सकें। जो है 10 से 14 दिन के बीच में ठीक हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर अपने कार्य पे आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा, एक बार देखिए बीमार हो गए, स्वस्थ हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने गार्ड्स कम कर दिए। उसके बावजूद भी जब वो फिर से कार्य में जाते हैं फिर वही एहतियात करके जाएंगे कि फिर अपने चेहरे पे मास्क लगाएंगे, फिर अपनी दूरी बना के सामाजिक रखेंगे, फिर अपने हाथों की सफाई रखेंगे। हालांकि एक बार उनको इन्फेक्शन हो गया तो ज्यादातर केस में तुरंत दूसरा इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। जी, और ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो दोबारा अपने जैसे ऑफिसेस में 14 दिन के बाद से जा सकते हैं या उन्हें कुछ और समय आइसोलेशन में या अपने घर पर ही रहकर अलग थलग बिताना चाहिए? देखिए अगर उनमें कोई भी सिम्टम नहीं है और अगर उनमें कोई भी लक्षण नहीं है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि चाहे हम अपने होम आइसोलेशन में रहें चाहे इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रहें, इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है वहां रहें, अगर वो पेशेंट जो है 3 दिन तक उनको जो लक्षण नहीं होते, बुखार जैसे किसी को आ रहा है कोई चीज है, 3 दिन तक अगर उनको लक्षण नहीं आ रहे और कोई भी लक्षण नहीं है और वो उनको कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, तो वो अपने घर पे जा सकते हैं और फर्दर 7 दिन 10 दिन तक वहां इंस्टीट्यूशन में रखते हैं
और 7 दिन अपने घर पे और आइसोलेट, और 17 दिन के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको कोई लक्षण हो रहे हैं, उनका बुखार लगातार चल रहा है, उनकी खांसी लगातार चल रही है, या उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, उनके ऑक्सीजन लेवल को, क्योंकि कई बार कुछ परसेंटेज केस में, खासतौर से जो हमारे एल्डरली लोग हैं या जिनको कई पहले से बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी जिसमें सबसे बड़ी बीमारी है डायबिटीज, इसके अलावा हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किडनी, लंग्स, लिवर, कोई भी जैसे उनका ऑर्गन पहले से खराब है, जिसके लिए वो दवाइयां ले रहे हैं या जिसके लिए डायलिसिस चल रही है या कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे लोगों को इन्फेक्शन जो है ज्यादा हो सकता है और उनके लंग्स में जा सकता है, उनको निमोनिया हो सकता है, उनको फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उनका 90% से कम आ जाता है, फिर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कई बार ऑक्सीजन की देने के बावजूद भी नहीं काम करता तो उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो वो एक सीरियस स्टेज। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल ये है कि जी, जो डॉक्टर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है ये कितना तक मॉनिटर करें, अगर हमारे पास ऑक्सीमीटर है और नॉर्मल व्यक्ति का ऑक्सीजन सेचुरेशन जो हम फिंगर से करते हैं, जिसमें हम SpO2 बोलते हैं, ये 95 से 100 के बीच में होता है। अगर 95 से नीचे होता है, इसके माने वो आपको ध्यान करने की जरूरत है, लेकिन अगर वो 90% से कम आ जाता है तो डेफिनेटली उस स्टेज पे हमें उसको ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हालत में वो 90% से नीचे सही नहीं है। और कई बार जैसे अगर वो 84 आ गया, 80 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम ऑक्सीजन देके उसको फिर 90 से ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। अगर 95 के ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90 के ऊपर जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जी ऑक्सीजन काफी मात्रा देने के बाद भी अगर वो हमारा 90 के ऊपर नहीं आ पा रहा, तो उस स्टेज में फिर हमको वेंटिलेटर देना पड़ा। डॉक्टर वर्षा, बहुत सारे लोगों ने हमसे सोशल मीडिया पे ये भी पूछा है कि जो हम 14 डेज का जो हम पीरियड जोड़ते हैं, चाहे क्वारंटीन के लिए हो चाहे वो आइसोलेशन के लिए हो, तो जैसे अगर किसी मरीज को जिस दिन बुखार आता है या कोई ऐसे सिम्टम आते हैं, हम उस दिन से 14 डेज काउंट करते हैं, या जब वो टेस्ट करा के पॉजिटिव आ जाता है उस दिन से हम 14 डेज को काउंट करते हैं, तो इसको काउंट करने का क्या सही तरीका है? हाँ, देखिए, जनरली स्पीकिंग तो ये है कि जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, वो जब तक आपके सिम्टम आते हैं उससे 3 दिन पहले से ही आप काफी इन्फेक्टेड होते हैं। वायरस चूंकि आपके थ्रोट में आ गया किसी व्यक्ति से, तो वायरस एक टाइम लेता है आपके थ्रोट में डेवलप होने में, और वो पीरियड एसिम्टोमेटिक पीरियड होता है, लेकिन उस समय आप इन्फेक्टेड होते हैं, उस समय आप इन्फेक्शन दूसरों को दे सकते हैं। और जिस दिन से, क्योंकि पेशेंट को तो देखिए पता नहीं लग रहा कि वो, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई परेशानी नहीं है, तो जिस दिन से वो परेशानी आती है, जिस दिन से उसको बुखार है, खांसी है, वो उसी दिन से मानता है। और हम जब टेस्ट करते हैं, अगर वो टेस्ट करते हैं, तो जब टेस्ट हमने कर दिया तो यूजली हम उस टेस्ट के बाद उसको 2 वीक का मानते हैं कि उस टेस्ट के बाद 14 दिन तक का उसे रहना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चूंकि 28 से देके डिफरेंट आंकड़े हैं, लेकिन 28 से लेकर 40% तक ये आंका गया है कि लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, जिनमें वायरस हो सकता है, वो दूसरे को फैला सकते हैं। तो इसीलिए हम हर व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई हर आदमी ये मान के चले कि कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में आ रहा है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, चाहे वो हो या ना हो। अगर वो इन्फेक्टेड हो सकता है तो बचाव का एक ही तरीका है कि हम उस व्यक्ति से अपनी दूरी बना के रखें जब तक कि हमें बहुत आवश्यक ना हो। जैसे ऑफिसों में भी है, आप देखिए मीटिंग हो रही है आजकल सरकारी, और कई बार मीटिंग करना जरूरी होता है, लेकिन वहां पे भी होता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अब इस चर्चा को जारी रखेंगे। इस बीच हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, और सबसे पहले हम रुख करेंगे राजस्थान का, जहां से राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हेलो राकेश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी राकेश जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, कोई कह रहा है कि सैनिटाइज करने से हैंड खराब हो जाते हैं, ये सही है क्या, या शरीर के लिए सैनिटाइज खराब है? बहुत ही एक अच्छा सवाल आपने पूछा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा चीज होती है साबुन। साबुन से आप अपने घर में हाथ धोइए, अगर आप घर में हैं या कहीं भी नजदीक है जहाँ साबुन पानी, उससे आप कोई भी साबुन ले लीजिए 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से, आप हाथ की उंगलियों के पोर, उनके बीच में कलाई तक अपना साफ करिए, वो सबसे अच्छा साधन है जिससे किसी को नुकसान नहीं होता। सैनिटाइजर सिर्फ हम उसी विशेष परिस्थिति में कहते हैं कि आप घर के बाहर मान लीजिए कुछ चीज लेने के लिए गए, अब वहां पे आपको डर हुआ कि मेरे ये चीज छू लिए और ये इन्फेक्टेड हो सकती है, तो वंस एक आध बार आप अगर एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अपने पास रखते हैं तो उससे हाथ साफ कर सकते हैं। लेकिन
कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सैनिटाइजर से हम बार बार हाथ साफ करते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है और बार बार आप करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और उससे आपको एलर्जी भी हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सैनिटाइजर नॉर्मल हम अलाउ नहीं करते, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में, जब आपके पास कहीं पे भी साबुन और पानी नहीं है तब ओकेजनली अगर आपको जरूरत पड़ता है और आपको लगता है कि कोई गलत चीज छू ली है जिसमें इंफेक्शन था, तब वो साफ करें, रेगुलर सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और डॉक्टर साहब, एक इस समय एक ड्रग है रेमडेसिविर, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि इसको जो है हम इमरजेंसी में यानी आपात स्थिति में जो है कोरोना के ट्रीटमेंट में इसको शामिल किया गया है, तो ये क्या है? देखिए, दो तीन दवाइयां हैं, जैसे एक तो हम जो अभी पहले है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसका नाम सुना वो तो हम काफी लोग यूज करते हैं, एक आपात स्थिति में एक एंटीवायरल मेडिसिन है रेमडेसिविर, जिसका जो है अभी अमेरिका में काफी प्रयोग हुआ है और उन्होंने ये पाया कि जो सीरियस व्यक्ति हैं उसमें कुछ फायदा मिला है। और दूसरी दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है टॉसिलिजुमैब, ये दवाई भी कुछ जगह इस्तेमाल की गई है और वहां पे उनको फायदा मिला है। तो इमरजेंसी में इन दवाइयों के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार ने जो है वो प्रावधान किया है, परंतु अभी ये दवाइयां हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये दवाइयां जो है विदेशी कंपनियां बनाती हैं और उनको यहाँ दवाइयों का मार्केटिंग का लाइसेंस नहीं मिला है। हालांकि वो अभी इंडियन कंपनियों के साथ लाइसेंस के लिए समझौता कर रही हैं, पर सरकार ने उनको इमरजेंसी यूज के लिए अगर वो दवाई कहीं से उपलब्ध होती है तो वो इस्तेमाल किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, और इस बीच उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदीप कुमार गुप्ता जी। हेलो सुदीप जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, मैं सुदीप कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जो कोविड-19 बीमारी को समाप्त करने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी जगह अगर हम जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट हैं जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, क्या इसका उपयोग ये वायरस को खत्म करने के लिए किया जा सकता है? देखिए, जो सरफेस है वो जैसे आपको बहुत उसका नाम ही देखिए, आपने कहा सरफेस इन्फेक्टेंट, तो सरफेस इन्फेक्टेंट जहाँ सरफेस है, जैसे आपको कोई खांस रहा छींक रहा है, टेबल पे उसकी ड्रॉपलेट गिर सकती हैं, किसी और चीज पे, तो जो सरफेस है जैसे दरवाजे के हैंडल हैं, दीवार हैं, वो सरफेस इन्फेक्टेंट उसके लिए ही इस्तेमाल होते हैं और उसी के लिए वो ही करना चाहिए। अगर हमने पर्सनल हमारी बॉडी पे वो सरफेस डिसइंफेक्टेंट नहीं हम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे को एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, अगर वो सांस में चले गए तो सांस की बीमारी कर सकते हैं, आंखों में चले गए तो आंखों में इन्फेक्शन या कंजंक्टिवाइटिस कर सकते हैं या लाली एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं, और ये गलत है। जो सरफेस जिस तरीके के डिसइंफेक्टेंट है, चाहे वो सैनिटाइजर टनल हो चाहे स्प्रे हो, वो कभी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी जानवर की बॉडी पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो निर्जीव जो सतह हैं उनके लिए है। हमारे अपने हाथ को साफ करने के लिए जो हमने बताया कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं यही कहता हूँ कि स्प्रेंगली यूज करें जब बहुत आवश्यक हो। सबसे बेस्ट तरीका जो हम बार बार कहते हैं, कोई भी साबुन ले लीजिए और साबुन से अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक अपने हाथों को साफ करिए, वही सबसे अच्छा तरीका है। जी, और इस बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ दिल्ली से ठाकुर दास जी जुड़ चुके हैं। हेलो ठाकुर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। रेडियो से है नहीं सर। जी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार कहूंगा जी, जी नमस्कार बोलिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि 2 गज की दूरी के लिए कहा है और मास्क के लिए कहा है, तो इसके अलावा कुछ और भी है सावधानी बरतने के लिए कुछ बताओगे? हाँ देखिए, सबसे बड़ा मैंने ये बताया कि जब आप मास्क पहन लेते हैं या मुंह पे कोई भी कपड़ा रख लेते हैं, कोई भी चीज करते हैं, और अगर आपके पास उस समय मान लीजिए कहीं पे कुछ नहीं भी है और किसी तरीके से आपको खांसी छींक आ रही, तो आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में छा, आप अपनी कोहनी को मोड़ लीजिए उसमें, तो इससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो हमारे जब हम देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि खांसते हैं छींकते हैं या इवन तेज आवाज में हम बातें करते हैं तो हमारे मुंह से छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, उसको हम मेडिकल साइंस की भाषा में ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, और इस ड्रॉपलेट में अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन है, आपके गले में वायरस है, तो वो हजारों की मात्रा में वायरस बाहर निकलते हैं। जनरली ये माना गया कि ये जो वायरस जब बाहर निकलते हैं ड्रॉपलेट से, वो जब आप खांसते हैं तो 3 से लेकर 6 फीट तक वो जा सकते हैं, और उस दूरी
आदमी के बीच में अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है और उसने अपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया, तो जब वो सांस लेता है तो सांस के जरिए वो वायरस उसके नाक और मुंह में जा सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई मास्क लगा के सब लोग रखिए और 3 से लेकर 6 फुट की अगर दूरी बनाएंगे तो लगभग जो है वो इन्फेक्शन होने की संभावना ऑलमोस्ट नगण्य हो जाती है या बहुत मिनिमल रह जाती है। डॉक्टर साहब, कोरोना से जंग में जो हमारी इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसी के शरीर की, वो बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम इसको बेहतर कर पाएं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हम जैसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये देखा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी लेवल बहुत लो है, जैसे हमने देखा बहुत छोटे बच्चे हों या वृद्ध लोग जो एल्डरली लोग हैं या जिनको कई शारीरिक बीमारियां, इन लोगों की इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है और ज्यादातर केस में जो 85% मॉर्टिलिटी है वो इन्हीं लोगों में पाई गई है। तो इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, एक तो ये होता है कि वो अपने को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, अगर उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है तो वो अपने घर के भीतर ही रहें। दूसरे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं जी। एक तो ये होता है कि हल्का सा व्यायाम जो जिसका वो आदि होते हैं, छोटा सा व्यायाम वो करें, अगर वो योगा वगैरह कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं वो करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे हमारे लंग्स की पावर बढ़ती है। जहां तक खाने का सवाल है, पौष्टिक भोजन में प्रोटीन वाली चीजें, दूध दही और पनीर, अगर जो मांसाहारी हैं तो आप मांसाहारी भी भोजन खा सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से उबला हुआ होना चाहिए, कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से पका होना है। इसके अलावा जो विटामिन सी वाले फल होते हैं जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इस तरीके की चीजें जिनमें कि विटामिन सी होता है, ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उन्होंने कुछ चीजें बताई जो हमारे ट्रेडिशनल सभी लोग जानते हैं और चला आते हैं कि भाई अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जो उनका सेवन करने से जो है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी उसमें बढ़ने में फायदा मिलेगा। और डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ नोएडा से अरुण जुड़ चुके हैं। हेलो अरुण जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अरुण जी, अपना सवाल पूछिए। सर, डॉक्टर साहब को नमस्ते। जी नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ जैसे वायरस, जैसे हम लोग कहीं गाल या कहीं हाथ में सर जैसे संक्रमित जैसे छू लेते हैं सर, मेरे कहने में वायरस सर चल के भी सर घुस सकता है क्या अंदर ये वायरस सर, मतलब चलता भी सर वायरस चल भी सकता है सर, कैसे मतलब घुस जाता अंदर सर, ये कहते हैं वायरस ही है। देखिए वायरस मैंने बताया ना कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है खांसता है तो उसके मुंह से जो वायरस निकलते हैं, अगर आपने अपना मुंह और नाक नहीं ढका हुआ और उसके पास खड़े तो जब आप वो हवा में आ गया वायरस, और जब आप सांस लेते हैं तो वो आपकी नाक और मुंह से आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने खांसा छींका, तो वो खांसने छींकने पर मान लीजिए टेबल वहां पर पड़ी हुई है, कोई खाने की वस्तु पड़ी हुई है, हाथों के कोई हैंडल है, दरवाजों के हैंडल या कहीं पे लिफ्ट में आ जा रहे हैं, लिफ्ट है या कोई भी चीज है, तो उस पर वो बूंदें आ जाती है, तो वायरस उस पर जो है कुछ घंटों तक सर्वाइव कर सकता है। अगर ऐसी चीज आपने छुई है तो वो आपके हाथ में वायरस आ गया, लेकिन वायरस इस तरीके से आपके हाथ में आने से आपके शरीर में नहीं जाएगा, जाने का रास्ता वही है। अगर ये गंदे हाथ अब आपने अपने नाक मुंह या आंखों पे लगा लिए, इन 3 रास्तों से वायरस हमारे शरीर में घुसता है। तो अगर हम ये अपने 3 रास्तों को प्रोटेक्ट कर लें, ये मान के चलिए कि आपके का घर है कोई और उसमें 3 दरवाजे हैं, ठीक है, और उन 3 दरवाजों से ही चोर घुस सकता है। अगर आपने उन 3 दरवाजों को पे अपना गार्ड रखा हुआ है तो कोई चोर नहीं घुस सकता, दीवार तोड़ के चोर नहीं घुसेगा, किसी और रास्ते से नहीं घुस सकता, वो उन दरवाजों से ही घुसेगा, क्योंकि वही एक इजी रूट है उसके लिए। तो इसी तरीके से ये हमारे 3 दरवाजे हैं, नाक मुंह और आंख हैं, इन 3 दरवाजों को अगर हमने अच्छी तरीके से सुरक्षित रख लिया, यहाँ से हमने वायरस को नहीं घुसने दिया, तो वायरस आपके शरीर के किसी और हिस्से से नहीं घुस सकता। जी डॉक्टर साहब, खाने पीने की चीज से वायरस नहीं जाता, किसी आदमी को छूने से या कोई है उससे वायरस नहीं जाएगा। जी डॉक्टर साहब, और अब हम अगली कॉल लेते हैं, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का, सीतामढ़ी का, जहां से हमारे साथ केशव कुमार जी जुड़ चुके हैं। हेलो केशव जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैंने पूछा कि अगर परसेंटेज अभी स्वस्थ होने का 51 बोले जी, तो क्या ये 100 पे जा सकता है? देखिए, जितना भी अभी मैंने आपको, शायद आपने मेरा पहले का जवाब नहीं सुना, कि अभी तक हम लोगों ने इंडिया में जो है वो इस वायरस से, चूंकि
ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो कि मतलब इनकी इम्यूनिटी कम है, जो एल्डरली हैं, जिनको कई बीमारियां हैं, तो उनको ये वायरस ज्यादा प्रभावित कर देता है। और लगभग इस समय हमने देखा कि 3% के करीब जो व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उनकी मृत्यु लगातार हो रही है। तो ये हम अभी मान के चल सकते हैं कि भाई लगभग 97% लोग रिकवर कर जाएंगे। 100% आपकी बात है कि हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु जो दुर्भाग्य से जो सीनियर लोग होते हैं 60-70-80 साल के होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले ही बहुत कमजोर होती है और उनके शरीर में अगर बहुत सी बीमारियां पहले लगे हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित कर लें, वो बाहर ना निकले, वो किसी संक्रमित के समय, तो ये जो आपका है कि वो मॉर्टिलिटी हमारी और 3% से घट के जो है 2% रह जाए या 1% रह जाए तो ये अच्छी बात है, और फिर उसमें हम 98-99% व्यक्ति भी हमारे स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमारी आपसे चर्चा हो रही थी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, बढ़ाने के बारे में, और हम लोग डाइट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। आपने विटामिन सी का जिक्र किया, इसके साथ ही अगर हम आजकल जिंक बहुत चर्चा में है कोविड के पेशेंट में और जो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी, तो जिंक का इसमें क्या रोल होता है? देखिए, जिंक भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ, तो इस तरीके के जिंक वाले जो जो चीजें हैं, जैसे हमारे नट्स वगैरह होते हैं उनमें जिंक होता है, बहुत से फूड होते हैं उनमें जिंक होता है, मशरूम होता है उनमें जिंक होता है, तो काफी चीजें होती हैं। मैं हमेशा ये कहूंगा कि नेचुरल चीजें, देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति को गोलियों लेने की जरूरत नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो नेचर में हमारे दिया है, जो नेचर ने हमें फूड दिया है, उसमें हर तरीके के सारे विटामिन मिनरल्स सब चीजें होती हैं, तो ऐसे फूड का ज्यादा सेवन करें, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब वो संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होता है, जो क्योंकि उस समय वो उतनी ज्यादा डाइट नहीं ले सकता, तो हम उस समय रिप्लेसमेंट के तौर पर, दवाइयों के तौर पर विटामिन सी या जिंक की प्रिपरेशन या और भी बहुत सी चीजें देते हैं, परंतु स्वस्थ व्यक्ति के लिए इन सप्लीमेंट को लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। वो अच्छा स्वस्थ भोजन करे, और स्वस्थ भोजन में अगर वो मिक्स चीजें लेगा, सब चीजें थोड़ी थोड़ी लेगा जो हमें नेचर में दिया है, डिफरेंट कलर के जैसे फूड होते हैं, हर कलर का सेवन करें, हर कलर में कोई ना कोई जो है विटामिन होता है, कोई चीज होती है, थोड़े से जैसे हमने नट्स अगर आप है, जैसे मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, ये है, सारे नट्स में जो है जिंक वगैरह होता है और बहुत सी सब्जियों में भी जिंक वगैरह होता है, तो वो नेचुरल फूड पे मैं ज्यादा जोर देता हूँ, ना के सप्लीमेंट। जी, और चलते चलते बस आपसे डॉक्टर वार्ष्णेय यही कहना चाहेंगे कि कोई टिप्स आप देना चाहते हो? मैं यही कहूंगा कि देखिए, ये बीमारी आ गई है, महामारी, ये इससे ये नेचर ने दी है या जो भी है, वो इससे हमें लड़ना है और हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये होता है कि एहतियात बरतना है, क्योंकि मैंने अभी ये देखा है कि हमारे लोग जो है एहतियात नहीं बरत रहे हैं। अभी भी वो जो है जब समाज में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो मास्क को नहीं लगा रहे, मास्क लगा रहे हैं तो प्रॉपर नहीं लगा रहे। मैंने कई बार देखा है कि मास्क उनकी थोड़ी पे लटका होता है, उनका नाक और मुंह खुला रहता है, उसी तरीके से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने वो मास्क लगाया, वो आपको नहीं रोकेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छी तरीके से मास्क लगाइए, अपने नाक और मुंह को ढकिए, अगर आंखों पे आप कोई चश्मा गॉगल पहन सकते हैं तो अच्छा है, नहीं भी पहन सकते तो गंदे हाथों से अपनी आंखों को मत छूइए। यही आपके जो मैंने बताया कि 3 चोर दरवाजे हैं जिससे वायरस घुसेगा, अगर हम 3 चोर दरवाजों को अपना प्रोटेक्ट कर लें तो वायरस हमारे शरीर में नहीं घुसेगा। और अगर हर व्यक्ति जागरूक हो जाए, हर व्यक्ति ये समझ ले कि मेरे को वायरस को नहीं घुसने देना, तो बिल्कुल नहीं घुसेगा और इस बीमारी पे हम बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी पॉजिटिव नोट पे अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना के प्रति जागरूकता और सावधानी ही कोरोना से बचाव है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।